नमस्कार, प्रवास अक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। देश भर में गणेश चतुर्थी का त्यौहार आज बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह सुबह लोगों ने भव्य और दिव्य गणेश प्रतिमाओं की अपने घरों में स्थापना कर पूजन अर्चन किया। देश भर में विभिन्न गणेश मंडलों की ओर से आयोजित किए जाने वाले समारोहों के अलावा आवासीय सोसाइटियों और गली मोहल्लों में भी गणेश प्रतिमा की स्थापना की गई। गणेशोत्सव की धूम वैसे तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देखने को मिल रही है, लेकिन महाराष्ट्र में इसकी अनोखी छटा देखते ही बन रही है। हम आपको बता दें कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 3000 से ज़्यादा गणेश मंडल और लाखों परिवारों ने आज से 10 दिवसीय गणेश उत्सव की शुरुआत की। गणेश मंडल ऐसे समूह हैं जो सार्वजनिक स्थानों पर गणेशोत्सव मनाते हैं। घरों और पंडालों में विधि विधान से प्रतिमाएँ आज स्थापित की गईं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लोगों को गणेश उत्सव की शुभकामनाएं देते हुए इस त्यौहार को पर्यावरण अनुकूल तरीके से मनाने का आग्रह किया है। उन्होंने भी अपने आवास पर विधि विधान से गणेश पूजन किया और लोगों को शुभकामनाएं दी। अरे गणपति बाप्पा से क्या मांगने की जरूरत नहीं, गणपति बाप्पा का मनोभावे पूजा करो और श्रद्धा से गणपति बाप्पा का स्थापना करो। अभी ये महाराष्ट्र में गणेशोत्सव शुरू हुआ है, गणपति बाप्पा का आगमन हुआ है और सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे गणपति बाप्पा के आगमन की। आज आगमन हुआ है, कल ही से गणपति, पर दो दिन पहले से गणपति आना शुरू हो गया और आज सभी जगह पे मनोभावे श्रद्धापूर्वक आरती हो रही है, स्थापना हो रही है और इसलिए सभी राज्य के सभी जनता को, गणेश भक्तों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। गणपति बाप्पा का अखंड कृपा छत्र सभी के ऊपर रहे, सभी के जीवन में सुख समृद्धि आनंद आए, ऐसी कामना करता हूँ। मेरे किसानों के जीवन में भी आनंद आए, अच्छी बारिश हुई है और उनका जीवन भी सुख समृद्ध हो, अच्छी खेती हो जाए। कई जगह पे बारिश ज़्यादा हुई है, उन किसानों के पीछे सरकार खड़ी रहेगी, उनको भी मदद करेगी और सभी लोग, इस राज्य के सभी वर्ग के लोगों के लिए सरकार ने 2 साल में कुछ योजनाएँ बनाई है, विकास का पर्व लाए हैं। मैं विकास के बारे में आज कुछ डिटेल में नहीं कहूँगा, लेकिन लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाले जैसे प्रकल्प जो है मुंबई में, महाराष्ट्र में शुरू है और उसके साथ ही उद्योग आ रहे, इंडस्ट्री आ रही है, लोगों के हाथों को काम मिलेगा, युवाओं को काम मिलेगा और उसी के साथ मुख्यमंत्री माझी लाडली बहना योजना, जैसे लेक लाड़की लखपति है, कई योजनाएँ हैं महिलाओं को सक्षम करने के लिए, उस योजना को भी लाया है। विकास और कल्याण, ये दोनों को जोड़ने की कोशिश हमने की है। निश्चित रूप से हमारे बहनों के, हमारे भाइयों के, हमारे किसानों के, हमारे ज्येष्ठ लोगों के जीवन में जरूर बदलाव आएगा, उनका जीवन सुख समृद्ध आनंदमय हो जाएगा और गणपति बाप्पा का, बाप्पा की कृपा सभी लोगों पे बनी रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। हम आपको बता दें कि गणेश उत्सव के दौरान मुंबई में सुरक्षा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा करीब 15,000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। 32 पुलिस उपायुक्त, 45 सहायक आयुक्त, 2435 अधिकारी, 12,420 कांस्टेबल, होमगार्ड और राज्य रिजर्व पुलिस बल, रैपिड एक्शन फोर्स और दंगा नियंत्रण इकाई के कर्मी सड़कों पर तैनात रहेंगे। इसके अलावा शहर की तीनों मेट्रो लाइन पर गणेश उत्सव के दौरान अंतिम ट्रेन के परिचालन का समय बढ़ाने का फैसला किया गया है। संचालकों ने कहा है कि इससे उन श्रद्धालुओं को मदद मिलेगी जो 10 दिवसीय उत्सव के दौरान रात के समय पंडालों में उमड़ते हैं। बहरहाल, आइए देखते हैं महाराष्ट्र भर के विभिन्न मंदिरों से गणेश पर्व की छटा। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं लाल बागचा राजा के दरबार में, जहां देर शाम से ही भक्तों का सैलाब बप्पा के दर्शनों के लिए उमड़ा पड़ा है। यहां राजनीति, सिनेमा, उद्योग जगत और खेल जगत की तमाम हस्तियां भी भगवान के दर्शनों के लिए पहुँच रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी अपने परिवार सहित लाल बागचा राजा के दर्शन किए। आइए अब आपको पुणे के डगड़ूशेठ हलवाई मंदिर और महाराष्ट्र के अन्य मंदिरों की छटा और श्रद्धालुओं की प्रतिक्रिया दिखाते हैं। हम लोग यहाँ पर 5 घंटे से लाइन में लगे हुए आज लालबाग का दर्शन करने का है, तो हम लोग अभी लालबाग का राजा का दर्शन करने आए हैं। यहाँ पर बहुत मजा है, यहाँ पर मैं 7-8 साल से आ रहा हूँ, घर परिवार के साथ, आज दोस्तों के साथ आया हूँ। बहुत अच्छा बंधु बनों का इस बार, वहाँ कुछ परेशानी नहीं हुई है हम लोग को, सबसे मस्त इस बार व्यवस्था किया गया है। हम लोग हर साल लालबाग आते हैं, जो व्यवस्था है बहुत बेहतरीन है, कोई प्रकार की कोई दुविधा नहीं हो रही है, बहुत अच्छे से सब लोग ख्याल रख रहे हैं, सिक्योरिटी अच्छी है और
बहुत सारे दर्शन वगैरह हर साल नया नया होता है, बहुत बहुत मजा आता है और हर साल हम लोग दर्शन करने पहले दिन आ जाते हैं। आरती अभी कवर वगैरह ने आरती खत्म हो गई, उसमें क्या करेंगे हम? आरती तो अभी आई होगी तो हम लोग आरती का लाभ लेने के लिए भी रुकेंगे इधर यहाँ पर। 2:30 बजे से खड़े अभी जाके नंबर लगा है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है और दर्शन करने के बाद बहुत अच्छा फील हो रहा है। नहीं बाकी अभी जस्ट करेंगे हम लोग का मंडल का नर्मी तानाजी मित्र मंडल का 46 ईयर चालू है और हम लोग ने इस टाइम पे ना ये विष्णु जी का दशावतार का ये बनाया हुआ है, डेकोरेट बनाया हुआ है। इसके आगे की भावना यही है कि आजकल के जो लड़की लोग के ऊपर या किसी के ऊपर अत्याचार होता है तो भगवान आके प्रकट होके ये लोग को थोड़ा सा बुद्धि सद्बुद्धि दे दे और ये अपना जो मतलब क्या बोल सकते हैं अभी इसके आगे कि उनको बस यही सोच के हम लोग ने इस साल का जो डेकोरेट किया हुआ है। कितने महीने से ये बनाने के प्रयास? इसको लगे कम से कम 1.5 महीना होने को आया, 45 डे के ऊपर हो गए इसको बनाते हुए। गणेश भक्तों को क्या मैसेज देना चाहोगे? बस यही श्रद्धा से गणेश जी की भक्ति और पूजा कीती रहिए, भगवान आपको ज्ञान प्रगति सहनशीलता की कामना प्रयास करे और आगे जाके सबका भला हो, अच्छी सोच ही आगे लेके जा सकती है। हमने भगवान से यही प्रार्थना की है कि भाई ये जो हमारा महाराष्ट्र है या जो ये हमारा भारत देश है तो ये भारत देश में जो लोग यहाँ रहते हैं तो ये लोगों के अंदर जो शत्रुत्व की भावना जो निर्माण होती है और वो शत्रुत्व की भावना निर्माण होने की वजह से जो कुछ भी यहाँ क्राइम हो रहा है, बच्चों के ऊपर कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके से अत्याचार हो रहे हैं तो ये जो है हम बापा जी को कह रहे हैं कि बापा जी वो जो शत्रुत्व की भावनाएं लेके जो लोग यहाँ पे आए हैं तो उनकी शत्रुत्व की बुद्धि जो है वो यहाँ से निकल जाए, सबको सद्बुद्धि प्रदान करे और ये जो हमारा भारतवर्ष है, ये जो महाराष्ट्र है, ये सुजलाम सुफलाम होके सब लोग प्रेम भाव और बंधुभाव से यहाँ रहे, यही हमने बापा से प्रार्थना की है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।